तो मैं बाबा साहब के दर्द को जानता हूँ, मैंने बाबा साहब के दर्द को पढ़ा है, मैंने सोनलाल 25 वर्ष सोनलाल शास्त्री को पढ़ा था, तो मेरी आंखों में आंसू थे जिस समय मैंने सोनलाल शास्त्री 25 वर्ष उस समय जिस समय मैं उनकी किताब को पढ़ रहा था, मेरी उनकी बातों को सुन सुन के मैंने पढ़ पढ़ के मेरे हृदय का मेरा रोम रोम मतलब जाग उठा जी। तो उसी लिए जो मेरे अंदर दर्द है, मेरे अंदर टीस है, मैं वो आपके सामने एक दर्द और टीस और एक पेश कर रहा हूँ जी। रोशनी पर अंधेरों के पहरे हुए, वो रोशनी कौन है? वो रोशनी बहुजन समाज है। पूरा बहुजन हित में भगवान बुद्ध ने काम किया, उसी बहुजन हित में बाबा साहब ने काम किया। रोशनी पर अंधेरों के पहरे हुए, जख्म जिसने सिले उतने गहरे हुए, पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, ये तो सहनाइयां सुन सुन के बहरे हुए। दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। दुखियारों का बन के मसीहा, वो भारत में आया। थी तूफानी काली राते, भमर में फंसा शिकारा। उस समय बाबा साहब उस नाव के अंदर बैठे हुए थे, उस कश्ती के अंदर बैठे हुए थे कि उस किनारे को ढूंढ रहे हैं अपने समाज के लिए, उस किनारे पर पहुंचाना चाहते थे कि जहां मेरे समाज को धम्म लाभ मिले और ज्ञान लाभ मिले, शिक्षा मिले और उनको धन भी लाभ मिले, हर एक तरह से वो परिपूर्ण हो जाएं, यही बाबा साहब की बहुत बड़ी सोच थी। थी तूफानी काली राते, भमर में फंसा शिकारा। डगमग जूझ रहा मौजों से, सूझा नहीं किनारा। नाव हमारी पार लगाने नाव हमारी बनकर माजी आया। दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। बरण बाद की चक्की में पिसते लोग यहाँ थे, भेदभाव की चक्की में पिसते लोग यहाँ थे। जो शब्द हम कह रहे हैं उन शब्दों में कुल मिला के जहाँ पर जो शहर है हमारा वहाँ सुधार है, जहाँ पढ़ा लिखा समाज शिक्षित हो गया, वो अपने आप में मजबूत हो गया। लेकिन हम ये जो बात मैं अपने मुखारविंद से बोलता हूँ वो आज भी उन क्षेत्रों में हमारे लोग उन चीज़ों से वंचित हैं और वो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, पानी तक के लिए पीड़ित हैं। वरण बाद की चक्की में पिसते लोग यहाँ थे,
अस्प्रस्ता के काले तच को डसते रोज यहाँ थे, डसे हुआ का जर चूसने, मरे हुआ का जहर चूसने, बन धनवंतरी आया, दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। सदियों की मारी नारी को भीम ने सम्मान दिया। आज भारत की नारी पढ़ लिख के शिक्षित है और वो मंचों से बोलती है, डॉक्टर है और तमाम उनके पास डिग्रियां हैं, अच्छे अच्छे औहदे पर बैठी हुई हैं। ये सिर्फ और किसी की देन नहीं है। भारत के अंदर ना तो कोई ऐसा महापुरुष आया जिसने उस नारी की पीड़ा को सुनाओ, लेकिन बाबा साहब ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने नारी की पीड़ा को समझा और उसको आशीर्वाद दिया अपने मुखारबिन से और अपनी कलम से। सदियों से नारी जाति को भीम ने सम्मान दिया, दे उसको अधे कार बराबर, उसका बहुत सम्मान किया। वेदों की मारी दुखिया को, जुल्मों की मारी नारी को, मिली भीम की छाया, दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। देख दुर्दशा दीन दलित की, तन्हा चुप चुप रोया, बेचारों को न्याय दिलाने नहीं चैन से सोया। लड़ाई अकेला जा लंदन में, जा लंदन में लड़ाई अकेला, हक चिन कर लाया, दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। सच्ची श्रद्धाल जली भीम को, प्रेमी जब हो अर्पित, शिक्षा पढ़ संगठित रहे संग, गर्स को सदा समर्पित, पद चिन्हों पर चले भीम के, पद चिन्हों पर चले भीम के, वो ही वीर का जाया, दर्द हमारा भीम ने जाना, कोई समझ ना पाया। बाबा साहब के ये तीन ही शब्द कामयाब हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम शिक्षित हो गए लेकिन अभी तक संगठित नहीं है, और संगठित नहीं है तो इसलिए हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ये सच्ची बात है, ये कड़वा सच है, लेकिन मैंने कई बार बहुत देखे हैं, मैंने बुद्ध विहार देखे हैं दिल्ली के अंदर, 300 से करीब बुद्ध विहार है दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली प्रदेश का अखिल भारतीय भिक्खू महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बुद्ध विहार हैं उन बुद्ध विहारों पर भिक्खुओं को बिठाया जाए, उसकी व्यवस्था भिक्खुओं के हाथ में दी जाए, जिससे कि उसका बुद्ध विहार का संचालन सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम दूंगा और हमारे मीडिया में नाम क्या, एसएम मीडिया में इनके लिए भी मैं इनका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, मैं इनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ में। और ये आज हमारे मिशन मूवमेंट पे आज यहाँ पर पधारे, मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।